फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शाबाज मलिक। तो दोस्तों, आज आप ये वीडियो देखते रहिए। इसमें इस वीडियो की मदद से आज आप ये आसानी से सीख जाएंगे और ये चेक कर पाएंगे अपने खराब एलईडी या एलसीडी टीवी में कि उसका मदरबोर्ड खराब है, उसकी बैकलाइट खराब है या उसका पैनल खराब है। यह जो टीवी आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसकी साउंड आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। तो इसमें या तो आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है या फिर आपकी बैकलाइट खराब हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों मदरबोर्ड और बैकलाइट दोनों को चेक करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपकी 240 वोल्टेज आपकी पावर सप्लाई में जाएगी, जहाँ से इसको फिल्टर कैपेसिटर रेक्टिफायर डायोड के थ्रू फिल्टर किया जाएगा। इसके बाद 24 वोल्ट और 12 वोल्ट के दो सिग्नल यहाँ से जनरेट होंगे, जो कि मदरबोर्ड में जाएंगे। अगर आपका मदरबोर्ड सही तरीके से काम कर रहा है तो एक पावर ऑन सिग्नल, या जिसको आप बैकलाइट ऑन सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो कि 3.2 वोल्टेज का है, वह इस पावर सप्लाई में आपको मिलेगा। उसके बाद यह 3.2 वोल्टेज 125 वोल्टेज की पावर सप्लाई को जनरेट करेगा। अब इस 125 वोल्टेज को बैकलाइट के अंदर दिया जाएगा, जिससे हमारी सभी बैकलाइट जलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह 125 वोल्टेज सही तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मदरबोर्ड और हमारी पावर सप्लाई दोनों अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। अगर यह 125 वोल्टेज जनरेट ना होती तब हम यह कह सकते थे कि हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत है, तब हम कह सकते थे कि हमारी पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम है। 3.2 वोल्टेज पावर सप्लाई पर मिल रही है, इसका मतलब भी यह हुआ कि हमारा मदरबोर्ड भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो आइए अब बैकलाइट को चेक करना स्टार्ट करते हैं। बैकलाइट में सभी एलईडी सीरीज में लगी हुई होती हैं, और अगर इनमें से कोई भी एलईडी खराब हो जाएगी तो ये सारी ही बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए अब हम सभी एलईडीज को चेक करना स्टार्ट करते हैं। और हमने पाया कि यह दो एलईडी हमारे बैकलाइट में खराब हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।